तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और यार, ये जो अपनी वीडियो है ना, ये अपनी पार्ट वन वीडियो है न्यूरो एनाटॉमी की। और इस वीडियो में मैं आपको सारे नर्व ट्रैक को अच्छे से समझाने के लिए मैंने क्या करा, आपके लिए इस तरीके से पूरा 3D में मॉडल बना दिया। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये अपना स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन है, और उसमें ये अपने हैं नर्व के ट्रैक्स जो कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कुछ ट्रैक असेंड कर रहे हैं तो कुछ ट्रैक अपने डिसेंड कर रहे हैं। तो इसको बिल्कुल आपको 3D में दिखाने के लिए मैंने इस तरीके से आपके लिए मॉडल बनाया है, और अपन पूरे की पूरी न्यूरो एनाटॉमी को इसी तरीके से 3D मॉडल में देखेंगे। तो यार, इसलिए आप मेरी पूरी न्यूरो एनाटॉमी देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यार, आज की वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसकी बेसिक एनाटॉमी देखते हैं जो अपन को पहले से ही पता है। तो यार, अपन को एक चीज पता है कि ये अपना जो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्चुअली में अपनी प्रेजेंट रहती है वर्टिब्रेट कॉलम में। और उसके बाद अगर अब अपन अपने स्पाइनल कॉर्ड का ये ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो अपन को पता है उसमें बीच में एक अपना रहता है ग्रे मैटर, जो कि इधर भी आपको दिख रहा होगा, और फिर अपना प्रेजेंट रहता है यहाँ पे व्हाइट मैटर। देन उसके बाद अपनी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं दो रूट्स, एक जो वेंट्रल के साइड जो रूट निकल रही है उसे अपन बोलेंगे वेंट्रल रूट। देन एक पीछे की तरफ से रूट निकलती है एक गैंग्लियन के साथ, जिसे अपन बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन, उसको अपन बोलते हैं डॉर्सल रूट। और ये दोनों की दोनों रूट अपनी वेंट्रल रूट और अपनी डॉर्सल रूट मिलके अपना बना लेती हैं एक स्पाइनल नर्व। तो ये अपनी बन गई है एक स्पाइनल नर्व। तो यार, इसको फर्दर आज अपन और डिटेल में जानते हैं कि एक स्पाइनल कॉर्ड में अपने कौन कौन से अपने स्पाइनल ट्रैक्स प्रेजेंट होते हैं। तो यार, इसको बताने के लिए मुझे तुम्हें क्या अभी इसका एक फंक्शन समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए यार, अभी तुम मेरा ये फोर आर्म वाला एग्जांपल देखो। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे इस फोर आर्म में अगर मैंने अभी ऐसे यूं मारा तो उसके बाद क्या होगा, जो अपने पेन रिसेप्टर जो हैं उसमें अपनी चली जाएगी इम्पल्स कि यार किसी ने अपन को मारा। तो ये सारे के सारे जो अपने पेन का जो सेंसेशन है, जो अपने पेन के जितने भी न्यूरॉन इम्पल्सेस हैं, वो अपना जाएंगी टिश्यू से लेकर अपना वो चली जाएगी इस स्पाइनल कॉर्ड में थ्रू स्पाइनल नर्व। देन ये स्पाइनल कॉर्ड के होते हुए ये सारे के सारे अपने सेंसरी इम्पल्स अल्टीमेटली अपने चले जाएंगे इस ब्रेन में। ये स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए सबसे पहले वो अपने आएंगे इस नर्व आ जाएंगे इस ब्रेन में, और इस ब्रेन के अंदर क्या होगा, फिर अपन सारा सेंसेशन अपन फील कर लेंगे कि अपन को फोर आर्म में है किसने मारा। तो अपने एक नर्व ट्रैक वो होते हैं जो कि अपने सारे सेंसरी इम्पल्स टिश्यू से ब्रेन तक ले जाते हैं, उन्हें अपन बोलेंगे सेंसरी नर्व्स। देन फिर क्या होगा, अपन गांधी परिवार से तो यार है नहीं, अगर कोई अपन को मारेगा तो जाहिर सी बात है फिर अपना ब्रेन जो है अपने मसल को मोटर सिग्नल देगा कि अब तू भी उसे जाके मार। तो क्या होगा, फिर दूसरे टाइप के न्यूरॉन्स अपने वो होते हैं जो कि ब्रेन से टिश्यू तक अपने सेंसरी इम्पल्स लाते हैं, मोटर नर्व्स लाते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये जो असेंडिंग ट्रैक्स है ना, अब आपको यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा होगा असेंडिंग ट्रैक्स, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने स्पाइनल कॉर्ड में मेनली असेंड करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने जैसे अपने हाथ को मारा तो मेरी सारी सेंसरी इम्पल्स क्या हुई, अपने स्पाइनल कॉर्ड में गई अपने स्पाइनल नर्व के थ्रू, देन ऊपर की तरफ असेंड करा उन्होंने अपने ब्रेन तक। तो जितने भी अपने असेंडिंग ट्रैक्स जो होते हैं वो एक्चुअली में अपने होते हैं सेंसरी ट्रैक्स, वो मेनली अपने टिश्यू से ब्रेन तक इम्पल्स ले जाने का काम करते हैं, तो उन्हें अपन बोलेंगे असेंडिंग ट्रैक्स। और यार, डिसेंडिंग ट्रैक्स में क्या होता है, बिल्कुल इसका होता है अपोजिट। अभी अपन टिश्यू से ब्रेन तक अपन ले गए थे, अब डिसेंडिंग ट्रैक्स में क्या होगा, ब्रेन से अपने सारे के सारे नर्व के ट्रैक आएंगे अपने टिश्यू तक, एक तरीके से वो नीचे आ रहे हैं, डिसेंड कर रहे हैं, इसलिए अपन इसे बोलेंगे डिसेंडिंग ट्रैक्स। तो अब अपन क्या करते हैं, इस असेंडिंग ट्रैक्स को फर्दर और डिटेल में जानते हैं। और होता क्या है, मैं आपको मेनली बताऊं, जितने भी अपने ये असेंडिंग ट्रैक्स है ना, जो अपने टिश्यू से ब्रेन तक जा रहे हैं ऊपर की तरफ, वो मेनली अपने इस स्पाइनल कॉर्ड में पीछे की तरफ रहते हैं, उसे मैंने कहा यहाँ पे ब्लू से डिनोट करा है इस डायग्राम में।
तो अब होता क्या है, बेस्ड ऑन द लोकेशन कि अपने असेंडिंग ट्रैक कहाँ पे जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए अपन को ये तो पता है ब्रेन में जा रहे हैं, लेकिन वो ब्रेन में भी कौन से पार्ट में जा रहे हैं उसके मुताबिक इन असेंडिंग ट्रैक्स का जो है नाम होता है। और कुल मिला के अपने यहाँ पे मेन 7 असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं। उसको समझाने के लिए मुझे पहले तुम्हें फर्दर थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेन की एनाटमी बतानी पड़ेगी। तो यार अपना जो पूरा ब्रेन होता है ना, उसे अपन तीन स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं, तीन मेन स्ट्रक्चर में। इसके होते हैं दो यहाँ पे बड़े से सेरेब्रल हेमिस्फेयर, अपन को जनरल एनाटॉमी पता ही है, राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। उसके अलावा अपना एक छोटा हेमिस्फेयर भी प्रेजेंट रहता है, उसे अपन बोलते हैं सेरेबेलम। तो अपने रहते हैं यहाँ पे दो सेरेबेलम हेमिस्फेयर, और फिर अपनी एक रहती है पूरी ब्रेन स्टैम्प। और यार ये जो ब्रेन स्टैम्प है ना, अगर तुम यहाँ पे भी देखो, ये पूरी ब्रेन स्टैम्प अपनी बनती है तीन पार्ट से। सबसे पहले इसका एक अपर वाला पार्ट मिड ब्रेन, देन मिड ब्रेन के बाद अपना रहता है ये पोन्स वाला एरिया, देन इस पोन्स वाले एरिया के नीचे अपना रहता है मेड्यूला। तो अपनी ये जो ब्रेन स्टैम्प है ना, वो तीन पार्ट से बनी है, एक मिड ब्रेन, देन पोन्स, फिर एक अपना एक मेड्यूला। देन ये मेड्यूला ही आगे जाके अपना कंटिन्यू हो जाता है अपने स्पाइनल कॉर्ड में। तो अपना यहाँ पे असेंडिंग ट्रैक्स में यार हो क्या रहा है, अपने कुछ नर्व के ट्रैक, अगर मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं, तो यहाँ पे आप ये वाला नर्व का ट्रैक ले लो, जिसको अपन बोलते हैं स्पाइनो सेरेबेलार ट्रैक। तो यहाँ पे क्या, बिल्कुल आपको नाम ही इंडिकेट कर रहा है, आप ये वर्ड याद मत करो, आप इस वर्ड का मीनिंग समझो। यहाँ पे नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि स्पाइनो का मतलब ये है कि ये अपने स्पाइनल कॉर्ड में है, देन सेरेबेलार का मतलब ये है कि ये ट्रैक अपने स्पाइनल कॉर्ड से लेकर ये जो सेरेबेलम है ना, इस सेरेबेलम तक एक्सटेंड करेंगे। तो अपने कुछ ट्रैक ऐसे होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से, अगर मैं यहाँ पे 3D में आपको दिखाऊं तो ये आपको क्लियरली दिख पा रहा है, ये है अपने स्पाइनो सेरेबेलार ट्रैक। और ये क्या कर रहा है, अपने स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर की तरफ एसेंड कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, और अपना ऊपर चले जाएंगे फिर वो अपने इस मेड्यूला में। तो अपने कुछ होते हैं यहाँ पे स्पाइनो सेरेबेलार ट्रैक, और कुछ ट्रैक अगर आप ये इंटीरियर वाला मेरा ये वाला ट्रैक लो, ये वाला, तो अपना यहाँ पे जो कुछ ट्रैक जो हैं वो होते हैं अपने स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक। यहाँ पे स्पाइनो से इंडिकेट कर रहा है कि ये स्पाइनल कॉर्ड में है, और थैलेमिक से पता चलता है कि ये थैलेमस में जा रहे हैं। एक्चुअली में अपने यहाँ पे जो सेरेब्रम है ना, उसके अंदर ही अपना प्रेजेंट होता है थैलेमस। आपने नाम सुना होगा ना, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सबके सब अपने आते हैं लिम्बिक सिस्टम में। और इस लिम्बिक सिस्टम को भी यार अपन न्यूरो एनाटॉमी में फर्दर और डिटेल में जानेंगे। अभी सिर्फ तुम इतना समझ लो कि अपने कुछ फाइबर अपने रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड से लेकर इस थैलेमस तक जाते हैं, इसलिए उनका नाम होता है स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक। समझ गए आप? तो अब आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो असेंडिंग ट्रैक है ना, वो अपने ब्रेन के जिस पार्ट में जा रहे हैं ना, उसी के मुताबिक इनका नाम होता है। तो आपको क्या, चीजें रट्टो मत, आप चीजों को तुम समझो। तो अब अपन सबसे पहले इस असेंडिंग ट्रैक्स को अगर डिटेल में जाने, तो यार मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ये जो असेंडिंग ट्रैक्स है ना, वो अपने स्पाइनल कॉर्ड में पीछे की तरफ रहते हैं। ये अपने स्पाइनल कॉर्ड का है वेंट्रल वाला पार्ट, ये इसके आगे वाला पार्ट, देन ये है इसका डॉर्सल वाला पार्ट। तो अपने मैक्सिमम असेंडिंग ट्रैक जो है वो डॉर्सल में प्रेजेंट है पीछे की तरफ। तो यहाँ पे दो अपने ट्रैक्स प्रेजेंट होते हैं डॉर्सल में। एक यहाँ पे जो ट्रैक है ना, जो आप यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लाइट ब्लू कलर से यहाँ पे शो करा है ऐसा असेंड करते हुए, उसका अपना नाम होता है फसाइकुलस ग्रेसिलिस। फसाइकल का मतलब होता है स्मॉल बंडल ऑफ नर्व्स। एक्चुअली में ये वाले जो दो नर्व्स है ना, ये अगर अपन कंपेयर करें ना दूसरे असेंडिंग ट्रैक से, तो ये अपने साइज में छोटे होते हैं, इसलिए ये अपने फसाइकल। देन यहाँ पे जो ग्रेसिलस जो है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली में अपने इस ब्रेन स्टेम में,
ये जो मेड्यूला वाला पार्ट होता है ना नीचे वाला, उस मेड्यूला में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, उसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियस ग्रेसिलस। अगर मैं यहाँ पे आपको फिर से दिखाऊं तो आप 3D में देखो ताकि आपको और इमेजिन हो। तो ये अपने हैं नर्व के ट्रैक ग्रेसिलस वाले और ऊपर की तरफ असेंड कर रहे हैं। तो अब मैं आपको मेरी ब्रेन स्टेम का भी डायग्राम दिखा ही देता हूँ मॉडल, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यार अब तुम यहाँ पे देखो, ये पूरा है अपना ब्रेन स्टेम, सबसे नीचे अपना ये होता है अपना मेड्यूला, देन ये वाला जो एरिया है वो है अपना पोन्च, और सबसे ऊपर ये जो है ये है अपना मिड ब्रेन। तो अपन क्या करते हैं, एक एक करके इनकी सारी लेयर्स को मैं हटाता हूँ आपके लिए। तो ये अपन ने हटाया सबसे पहले मिड ब्रेन का एरिया, देन मिड ब्रेन के बाद ये है अपना ये वाला पोन्स वाला एरिया अपनी ब्रेन स्टेम का। देन पोन्स के दो लेयर्स होते हैं एक्चुअली में, और यार इन सारी लेयर्स को जो है अपन ब्रेन स्टेम वाली वीडियो में अच्छे से डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यार यूनिवर्सिटी में। ब्रेन स्टेम का डायग्राम बिल्कुल आता ही आता है। तो इस वीडियो के भी लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। और ये अपन आ गए मेनली अपने इस मेड्यूला वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये है अपना पूरा ये मेड्यूला वाला पार्ट। देन इस मेड्यूला की होती है 3 लेयर्स, और उसकी ये जो सेकेंड वाली जो लेयर है अगर आप उसमें देखो, ये पीछे की तरफ आपको इसके अंदर एक रेड कलर की न्यूक्लियस दिख रही होगी, यहाँ पे यही न्यूक्लियस अपनी होती है न्यूक्लियस ग्रेसिलस। तो अपने जितने भी ये वाले ट्रैक है ना अपने, वो क्या करते हैं अपने ऊपर की तरफ असेंड करते हैं, और अपने ब्रेन स्टेम में ये जो न्यूक्लियस ग्रेसिलस है ना, इस न्यूक्लियस ग्रेसिलस में आके टर्मिनेट हो जाते हैं। तो यार अभी तुम क्या करो, मेनली ये नाम नाम याद कर लो कि हाँ भाई ब्रेन स्टेम में भी एक न्यूक्लियस होती है, उसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियस ग्रेसिलस, ताकि जब अपन ब्रेन स्टेम पढ़ेंगे ना तो तुम्हें और अच्छे से याद हो जाए। डेनिस ग्रेसिलिस के जस्ट साइड में अपना एक और नर्व के ट्रैक्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं फसाइक्यूलस क्यूनिएटस। अगर आप यहाँ पे भी देखो मेरे इस मॉडल में तो आपको क्लियरली ये वाले दिख रहे होंगे इस साइड में। ये भी बिल्कुल अपने मेड्यूला में ही एक न्यूक्लियस रहती है, उसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियस क्यूनिएटस। अगर मैं यहाँ पे फिर से मेरा मॉडल दिखाऊं तो आपको क्लियरली दिख पाएगा ये वाली साइड में जो न्यूक्लियस है उसे ही अपन बोलते हैं न्यूक्लियस क्यूनिएटस। जितने भी अपने ये जो ट्रैक है ना वो क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस में जाके अपने टर्मिनेट हो जाते हैं। उसके बाद अपन एक यहाँ पे ट्रैक देखते हैं, उसे अपन बोलते हैं स्पाइनो सेरेबेलार ट्रैक। और जो स्पाइनो सेरेबेलार ट्रैक है, मैं आपको उसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। स्पाइनो से मतलब है स्पाइनल कॉर्ड से लेकर, ये सेरेबेलार मतलब कि अपना इस सेरेबेलम में जाके टर्मिनेट होंगे। तो यार ये जो ट्रैक है ना, ये एक्चुअली में इतना बड़ा ट्रैक है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे मेरे इस मॉडल में आपको क्लियरली दिख पा रहा है, ये जो ट्रैक है ना जो मैं ब्लू से यहाँ पे शो कर रहा हूँ, यही ट्रैक है अपना स्पाइनो सेरेबेलार ट्रैक। तो ये जो स्पाइनो सेरेबेलार ट्रैक जो है, जो ट्रैक अपना एंटीरियर में आ रहा है आगे की तरफ वेंट्रल में, तो उससे मैं बोलने लगता हूँ वेंट्रल स्पाइनो सेरेबेलार ट्रैक। और जो इसका ट्रैक थोड़ा पीछे है तो मैं इसे बोलूँगा डॉर्सल स्पाइनो सेरेबेलार ट्रैक। तो अपन ने ये दो और ये दो ट्रैक्स इसके देख लिए। देन अब अपन का इसका बसता है ये वाला ट्रैक, जिसको अपन बोलते हैं स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक। ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, यही अपना यहाँ पे स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक। तो ये ट्रैक जो है वो अपना इस स्पाइनल कॉर्ड से असेंड करेगा ऊपर की तरफ और अपना चला जाएगा थैलेमस में। और ये वाले ट्रैक भी यार दो होते हैं, एक जो इस तरीके से वेंट्रल में प्रेजेंट है उसे अपन बोलेंगे वेंट्रल स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक, और यहाँ पे ये जो स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक जो है एक इस तरीके से लेटरल में भी प्रेजेंट है, तो फिर अपन इसको बोलेंगे लेटरल स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक। तो यार ये जो असेंडिंग ट्रैक्स है ना, ये बड़े ही ईजी है याद करने में भी, अपने दो पोस्टीरियर में साइक्यूलस ग्रेसिलिस फसाइक्यूलस क्यूनिएटस। देन यहाँ पे अपने दो प्रेजेंट होते हैं स्पाइनो सेरेबेलार ट्रैक, और अपने दो होते हैं अपने स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्स।
तो ये सारे ट्रैक जो हैं वो अपने टिश्यू से लेकर ब्रेन तक जाते हैं, असेंड करते हैं, इसलिए ये अपने ट्रैक हैं, अपने असेंडिंग ट्रैक्स। मेनली अपने टच, प्रेशर, पेन, ये सारे सेंसेशन ले जाते हैं, ये अपने होते हैं सेंसरी ट्रैक। तो यार अब अपन इसकी बात करेंगे डिसेंडिंग ट्रैक्स के ऊपर। और यार ये जो डिसेंडिंग ट्रैक जो है वो एक्चुअली मैं आपको इसकी पार्ट टू वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो की ज्यादा लेंथ ना बढ़े इसलिए मैंने आपको इसकी पार्ट टू वीडियो में डाल दिए सारे असेंडिंग ट्रैक। और इस वीडियो की लिंक बिल्कुल आपको यहाँ पे कोने में आई बटन में मिल जाएगी, तुम जल्दी से जाओ और सारे इसके असेंडिंग ट्रैक्स पढ़ के इसके पूरे टॉपिक को तुम खत्म कर दो।